हेलो गाइस, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा। चलिए जानते हैं कैसे बना रही हूँ मैं। तो गाइस, ये करीब मैंने आधा पौना किलो गाजर लिए हैं और अभी मैं इनको धो लिया है। और ये देखिए, मैंने इनसे गंदगी भी हटा दी है जो नीचे बाजार में आती है। अब हमें क्या करना है, इनको खुरना है। तो हमें ऐसे एक बिल्ली लेनी है, कद्दूकस, जो भी कह लो, बिल्ली कद्दूकस। इनको इस तरह, तो इनको इस तरह कद्दूकस, देखिए कितनी अच्छे से कद्दूकस हो रही है। आपको इसी तरह सारी गाजर कद्दूकस करनी है। तो गाइस देखिए, मैंने गाजर कद्दूकस कर लिए हैं। अब इन हमें चाहिए प्रेशर कुकर, जिसमें हम इन गाजरों को डालेंगे। ये प्रेशर कुकर है, इन गाजरों को हम इसमें डाल देते हैं। हल्का सा पानी ऐड कर देते हैं, आधे कप के बराबर। और इसका ढक्कन लगा के हम गैस पे रख देंगे। अब इसका ढक्कन लगा के हम गैस पे चढ़ा देंगे स्लो आंच पे इसमें। तो दोस्तों, मैंने कुकर चढ़ा दिया है, गैस का फ्लेम है देखिए स्लो। इसमें एक सीटी आने तक हमें इसे पकने देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं अपना खोआ। तो दोस्तों, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये दूध। ये कच्चा दूध है दोस्तों, 1.25 किलो। और इसको हम इसमें ऐड करेंगे और गर्म करेंगे। फ्लेम कर रखी मैंने हाई, इसमें उबाल आने तक। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम आंच को भी पकने देंगे। तो दोस्तों, इसमें उबाल आ रहा है, अब हम इसे थोड़ा इस तरह कच्ची से चलाएंगे। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है। और हमें इसी तरह मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए गाढ़ा करना है। तो दोस्तों देखिए, दूध कितना गाढ़ा हो चुका है इसी तरह मीडियम फ्लेम पे चलाते चलाते। तो गाइस देखिए, खोआ बन के हो गया तैयार। देखिए कितने अच्छे से खोआ बना है। देखिए रबड़ी टाइप में, अगर हम इसे ज़्यादा ड्राई करेंगे अब इससे ज़्यादा, तो वो ठोस हो जाता है खोआ। और हम ऐसा ही रहने देंगे तो खोआ बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं हम बंद, और इसे ठंडा होने देते हैं। तो गाइस, खोए को होने देते हैं ठंडा, तब तक के लिए हम इनके लिए ड्राई फ्रूट तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने तवा रख दिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच घी। आपके पास कढ़ाई और जो भी हो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने लिया तवा ड्राई फ्रूट को ड्राई करने के लिए। 10 से 11 बादाम, इनको रोस्ट कर लेते हैं हल्का हल्का। देखिए बारह से 13 लिए हैं काजू, इनको भी हल्का सा ड्राई करना है, हल्का सा करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। ये हो चुके हैं दोस्तों, इनको बाहर निकालना है। बस इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ये जल जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमने फ्रूट ड्राई किए हैं इनको हम अभी कट कर लेते हैं। ये देखिए कितने से अच्छे से कट हो रहे हैं। तो देखिए काजू भी, देखिए कितने नरम कट रहे हैं। ड्राई फ्रूट कट चुके हैं, कुकर में अभी सीटी आ चुकी है और कुकर मैंने ठंडा भी कर दिया है। अभी उसे खोल के देखते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए इसमें अच्छे से गाजर हो गई है। आप चाहें तो इसमें जो हल्का सा पानी है वो निकाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा गीला ही खाना पसंद है तो मत निकालिए। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ये जो ड्राई फ्रूट हमने काटे थे, और अभी इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी। ये मैं आधा चमचा ले रही हूँ घी देसी, आप डालें तो डालें ना, स्किप भी कर सकते हैं। ये खोआ भी ठंडा हो चुका है मगर इसे हम बाद में डालेंगे। तो गाय ये सब डालने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन कर देती हूँ मैं बंद, और इसे 5 मिनट के लिए कुकर को गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो दोस्तों मैंने कुकर को 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर चढ़ा दिया है, 5 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे। 100% चार्जर। तो 5 मिनट हो चुकी हैं, मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। अब इसे निकाल देती हूँ गैस। देखिए दोस्तों कितना अच्छा गाजर का हलवा तैयार हुआ है। अभी हम इसमें डाल देते हैं ये जो खोआ हमने तैयार किया था, इसे हम बाद में मिक्स करेंगे क्योंकि बाद में मिक्स करने का टेस्ट ही कुछ अलग आता है दोस्तों। पहले ही ऐड कर देते वो टेस्ट नहीं आ पाता जो अब आएगा। इसको कर देते हैं इसमें मिक्स। इसमें डाल देते हैं हम, मैंने ली थी ये 6 से 7 छोटी इलायची हरी वाली, उनके दाने हैं जो मैंने दरदरे पीस लिए हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाजर का हलवा हो गया है तैयार बनके, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो हलवा बनाने की तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस तो दोस्तों गाजर का हलवा हो गया है तैयार बनके। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और खाके बताइए हमें, कमेंट कीजिए बना के कि कैसा बना है, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।